ट्रेन श्रीनगर। पिछले बार जब आए थे तो इनको इनको ले जाना पड़ा मतलब दिल्ली इलाज के लिए, और वहाँ की उसकी हालत और आज की हालत जब देखे तो काफ़ी कुछ बदला हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन बुनियादी तौर पर कुछ ना बदला वो भी नज़र आ रहा है कि इन हालातों में आज के अफसोस की बात यह है कि हमारी जो पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो 370 की एब्रोगेशन और 35A की एब्रोगेशन की, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए आज तक उसकी सुनवाई शुरू नहीं हुई, और जितनी देर लगेगी इसको सुनने में सुप्रीम कोर्ट को, उतना समय मिल रहा है सरकार को इसको डिफैक्टो लागू करने के लिए, और उसी के चलते हुए ये लैंड के लॉज हो आपके, डिलिमिटेशन हो आपके, ये सब सिलसिला चल रहा है। और ये हम समझते हैं कि जब तक वो बुनियादी सवाल तय नहीं होता कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या इनवैलिड है ये आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन और 35A की, तब तक एटलीस्ट इन कामों के ऊपर अंकुश तो लगाने चाहिए। लेकिन ये सब करने का मतलब है एक फेट कंप्ली दे रहे हो, और उसके बाद सुनवाई भी होगी, और अगर कहेंगे कि गलती भी है, गलत है वो, तब भी जितने काम अब हो चुके हैं उसको वापस करना मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए आग्रह है कि जल्द से जल्द इसको जो है सुनवाई करें, और कल अब हमारी स्टेट कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने यही आश्वासन दिया जो हमारी कमिटमेंट है CPIM की, आज की बात नहीं मतलब ज़माने से, आपके शेख अब्दुल्ला साहब के ज़माने से, जब से उनके साथ वो बातचीत के दौरान ये सब जो जुड़ाव जो हुआ जम्मू एंड कश्मीर की के अब स्टेट का इंडिया के साथ, उस समय से लेकर आज तक हम यही मान कर चलते हैं और ये मानते हैं, मतलब ये बुनियादी हमारी आप अंडरस्टैंडिंग है, मतलब ये हमारी समझ है कि ये जो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर हमारी देश का हिस्सा है, लेकिन जिस आधार पर उनको जो है जोड़ा गया देश के साथ, वो एश्योरेंसेस और वो प्रोमिसेस का पूरे की पूरी 100% इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। सबसे आगे क्रिटिक हम थे जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी, जब पुरानी कांग्रेस की सरकारें भी थे, और उसके चलते हुए हमने कहा कि इसके वजह से आप ये जो डिसकंटेंट और एलिनेशन जो पैदा कर रहे हो ये हमारे मुल्क के हित में नहीं है। जिहाद के बाद या कभी आगे आपके ड्रेस कोड के बाद, हिजाब का मसला, यानी सब सवाल जो उठाते हैं जज्बात की, जहाँ पर फूट डालना है अपने मुल्क के लोगों के बीच में, यही फूट डालते डालते यहाँ तक कि कश्मीरी फाइल्स के बारे में जो आज सूरत हाल मतलब पैदा हुई है, उसके चलते हुए पूरी एडिटर्स गिल्ड आपके में मीडिया के एडिटर्स गिल्ड के सबसे प्रमुख मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिटर्स नेशनल डेली के, वो जॉइंट स्टेटमेंट देके इसके ऊपर कंसर्न जताया कि इस तरीके से पोलराइजेशन जो आप कर रहे हो ये खतरनाक है, देश की आवाम के बीच में ये जो पोलराइजेशन जो करवा रहे हो, इससे जो है ना देश की एकता अखंडता ना अपनी प्रोग्रेस जो है वो संभव है। अब कश्मीर फाइल्स का ही ले ले, अब बता दें, अब वो कहते हैं कि अगर चाहे तो आप फिल्म बना लो, प्रधानमंत्री ने खुद कहा आप दूसरा फिल्म बना लो, अरे बना था एक आपके गोधरा और गुजरात के पूरे राइट्स के ऊपर, याद होगा परजानी आकर के उसको दिखाने दिया आपने, फिल्म बना तो लेंगे लेकिन दिखाने दोगे आप, या वही दिखाने दिखाते हो जो आप चाहते हो आपकी एक तरफा प्रचार। अरे मिलिटेंसी के साथ लड़ने में ये आज देते हैं कट ऑफ डेट 1990 से लेकर, 1990 से पहले 1989 में इनके ऊपर हमले हुए हैं अपने तरीका साहब के ऊपर, हमारे पार्टी के कई सारे मतलब कार्यकर्ताओं पे हमले होते हैं हमारे ऊपर, जब भी हम आए मतलब उन जमाने में जब आए तो कहते हैं ये सब काफिरों की पार्टी है वगैरह वगैरह, और पूरा का पूरा प्रचार और ये हमारे ऊपर चल जाता है। अरे मिलिटेंसी लड़ने के लिए हम भुग चुके हैं, लड़ते हैं और लड़ेंगे भी, ये ना सिर्फ कश्मीर में, ना सिर्फ J&K में हम लड़े हैं, पंजाब में जब 200 से ज़्यादा हमारे कॉम्रेडों की जाने गई, वहाँ की जो मतलब एक्सट्रीमिस्ट की जो लड़ाई थी खालिस्तानी की उस समय, असम के अंदर, तो
तो हमारी पार्टी की ये है कि इस देश की एकता और अखंडता के लिए हम जो है हर समय हमारे लोग आगे बढ़कर लड़े हैं, हिम्मत के साथ लड़े हैं, शिकार भी हुए हैं, शहीद भी हुए हैं। तो ये सबक मत सिखाइए कि उस समय कौन नेता और कश्मीरी पंडित, जब उनकी जो यहाँ पे एक्सोडस की बात या एक्सोडस कहते हैं वो भी मतलब यहाँ से जब उनको ले गया, उसके अंदर अगर सही ढंग से आपको सच्चाई चाहिए तो उस समय के गवर्नर का क्या रोल रहा, ये सब बातें भी आनी चाहिए। सबसे ज़्यादा तो मुसलमानों के ऊपर मिलिटेंट के हमले, हिंदुओं के ऊपर, लेकिन वो सिख क्यों ने माइग्रेट किया, बाकी क्यों नहीं किया, इन सभी सवाल की जवाब भी तो चाहिए। लेकिन आप सिर्फ नफरत पैदा करने के लिए कोई फिल्म पैदा करते हो, इससे ना ना प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नए प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे। अब यही आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीनगर का दिसंबर में, पिछले दिसंबर में एक आरटीआई का जवाब देते हुए वो आंकड़े देता है, उसके ऑफिस मतलब फॉर्मली वो आंकड़े देता है कि 1990 से जब मिलिटेंसी बढ़ रही थी, 89 कश्मीरी पंडितों की डेथ हुई और 1635 जो बाकी फेथ्स के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों की डेथ हुई। ये उनका खुद का मतलब उनके लेटर हेड पे पुलिस का कहना है। अब ये पुलिस कह रही है ये है सच्चाई, तो ये क्यों नहीं आता सामने? हमने कहा ये सब हमदर्दी हमारी हर समय रही है, और बाहर जितने भी कश्मीरी पंडितों को जितना भी हम कर सके कानूनी तौर पर पार्लियामेंट के अंदर बाहर उन सब को जो है उनके लिए जो कानून फायदे मतलब जो भी मिलना चाहिए था वो सब के लिए लड़े हम CPIM। लेकिन ये नफरत और हिंसा के आधार पर जो आज राजनीति चल रही है उसे बिना रोके आज ये मुल्क नहीं बच पाएगा, और उसके लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना ज़रूरी है और कॉन्स्टिट्यूशन के संस्थाओं को यानी पार्लियामेंट से लेकर। आज ये बात मतलब अब आपकी भी हमारी मदद चाहिए कि लोगों तक पहुंचाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो शुरू होता है वी द पीपल, मतलब क्या है हम लोग का मतलब क्या है कि पीपल आर द सॉवरेन मास्टर्स ऑफ इंडिया, और कैसे एक्सरसाइज करते हैं पीपल थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन पार्लियामेंट, एंड गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, MPs आर अकाउंटेबल टू द पीपल, दैट इज हाउ वी द पीपल का लिंकेज होता है। अब पार्लियामेंट ही नहीं चलेगी सही ढंग से तो ये लिंकेज गया, और सरकार की कोई जवाबदारी नहीं। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केसेस पड़े हैं वो देखिए, इलेक्शन कमीशन के रुझान देखिएगा, या CBI ED को देखिए जिस तरीके से वो उनकी पॉलिटिकल एजेंडा को आगे ले जा रहे हैं सरकार की। तो ये सब इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर करना ये भी घातक है। तो CPIM ने आज ये तय किया कि आज इसके खिलाफ हमारी पार्टी की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कांग्रेस होगी 6-10 तारीख को केरल में अप्रैल, उसकी भी इसी की तैयारी में हर स्टेट में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो सिलसिला कल यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्फ्रेंस हुई। अब यहाँ पर हम लोगों का प्रस्ताव यही है कि इसके अंदर गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और इसके ऊपर आती है महंगाई। अब देखिए पेट्रोल के दाम, जब तक ये इलेक्शंस नहीं हुए उसके ऊपर अंकुश लगाया गया, बाद में सरकार कहती है कि ये जो कंपनियां कर रही है दाम बढ़ाना, हमारा कोई इसके अंदर लेना देना नहीं है, तब तो रोका कैसे भाई? आप हर बार जब इलेक्शंस होते हैं, पिछले 4 सालों में देख लीजिए आप, हर बार जब चुनाव इलेक्शंस होते हैं किसी भी प्रांत में ये पेट्रोलियम दाम के ऊपर अंकुश लग जाता, इलेक्शंस होते ही फिर वो बढ़ जाते हैं, बढ़ा दे देते हैं और बड़े पैमाने पर। और आज हालत क्या है, पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ाने का मतलब ये है कि इसका पूरा एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होता है पूरे इकोनॉमी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब बढ़ते हैं सब चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। अब बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी के साथ साथ ये महंगाई, अब ये सब बातें हो रही है, और इसके लिए लेजिटिमेसी ड्रॉ करते हैं इलेक्शन की विक्ट्री से, और वो विक्ट्री के लिए जिस तरीके से लेजिटिमाइज कर दिया पॉलिटिकल करप्शन ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लेकर, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के खिलाफ उसको चैलेंज करते हुए वो पिटीशन भी पिछले 3 साल से पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के सामने,
मेरा खुद का पिटीशन है एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द सीपीआई, वो पिटीशन भी पड़ा हुआ है, उसके बारे में कोई जरूरत अभी तक खरबों रुपए बीजेपी ने बना ली उसके चलते हुए, और वो पूरा का पूरा पैसा जो इलेक्शन में इस्तेमाल होता है। तो अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ से आए, ये डेमोक्रेसी है, ये किस तरीके से डेमोक्रेसी में जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कहते हो आप, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, वो पूरा का पूरा डिस्टॉर्ट हो रहा है। तो अब ऐसे सूरत हाल में ये ज़रूरी है कि सभी जितने आज सेकुलर ताकतें हैं, इन सभी ताकतों को इकट्ठा होना ज़रूरी है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, मुल्क को बचाना पहले, ताकि उसके बाद में जिस आधार पर इस मुल्क को बदलना चाहते हैं हम बेहतर, हमारी एक अंदाज़ है, हमारी एक सुझाव है, हमारा एक प्लान है, किसी और पार्टी का हो सकता है, उसके ऊपर बहस करेंगे। पहले अपने मुल्क को बचाओ, इस संविधान को बचाओ। इन सवालों के ऊपर लोगों की भूखमरी या अब जो हालत है जिंदगी के, उसके ऊपर कोई बात नहीं उठाते। यूपी के चुनाव में पूरा का पूरा ये क्या था इश्यू, 80% versus 20%, या बुलडोजर लेके आप जो है पब्लिक मीटिंग करोगे, उसका खुद अपना एक सिंबॉलिक समझे मतलब वो क्या है, या प्रधानमंत्री खुद बात करेंगे कब्रिस्तान और शमशान घाट के बीच में। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defense Road, Pathankot. GK Update. Update रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.